नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टेनो एनजी के यूट्यूब चैनल में। आज हम ओपी शुक्ला बुक की पेज नंबर 30 अभ्यास संख्या 2 की प्रैक्टिस करेंगे। इस डिक्टेशन का समय 5 मिनट तथा गति 80 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। हमारे और उनके सारे प्रयास असफल हो गए और हम और तुम उनके साथ मिलकर वहाँ से त्रस्त होकर प्रस्थान कर रहे हैं। मेरी समझ में तो कोई रास्ता साफ साफ नज़र नहीं आता और ज़्यादा वक्त खोना ठीक नहीं है। वे तो अपने साथी को साथ लेकर चले गए और दान का रुपया पैसा और सब कुछ हमारे या तुम्हारे पास छोड़ गए। अब क्या आशा की जाए कि कुछ लोग कल तक खुश रहेंगे। उनकी मुसीबत महाशय से ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर स्वतः इस काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा वक्त खोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्वतंत्रता का स्वरूप न जानने क्यों खोता जा रहा है। बाद में बड़ी बड़ी बातें नेताजी नीति के विरुद्ध कहते रहे और लोग चुपचाप बाहर देर तक धीरे धीरे सुनते रहे। किसी को संदेह नहीं था कि वहाँ पर खूबसूरत लोगों को स्थान मिलेगा। बाकी के लोग त्रस्त होकर बाद देर तक बैठे रहेंगे। सही समय पर साहब न आते तो शायद यह क्रिया नहीं होती और वे सब रोते रोते यहाँ वहाँ जहाँ कहीं जगह मिलती चुपचाप चले जाते। भले ही लोग और लाला लंबी लंबी बातें बनाकर मुसलमानों को संतोष दिलाने का प्रयास करते, अब आप भी अपना बक्सा बंद कर सकते हो। परंतु यह तो आपको करना ही होगा। आज अदालत के दरवाजे पर वही जा सकता है जिसके पास खूब पैसा हो। अदालत का कोई कार्य ऐसा नहीं जो सस्ते में हो सकता है। जिन स्टाम्प पेपरों पर मामले लिखे सुने जाते हैं उनके दाम से लेकर सब इतना महंगा सौदा है कि आम आदमी घर लुटाकर भी पूरा नहीं कर सकता है। वकीलों की फीस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आदमी अपनी अवस्था तक पार
कर जाता है और जवान से वृद्ध हो जाता है, पर न्याय प्रक्रिया से गुजरकर न्याय के संबंध में आश्वस्त नहीं हो पाता। पैराग्राफ चेंज। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि न्याय करने वाले न्यायाधीश भी न्याय की मांग करने लगे हैं और उन्हें वेतन भत्तों के खिलाफ राज्य सरकार के विरुद्ध हड़ताल पर जाना पड़ा और न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए कतारबद्ध रहने को विवश होना पड़ा। यह सही है कि भारतीय न्याय प्रणाली न सिर्फ महंगी है बल्कि वह इतनी लंबी है कि वादी को न्याय मिलते मिलते अपना सब कुछ लूटा देना पड़ता है। विधि एवं न्याय मंत्री का यह मत हो सकता है कि सरकार के पास अभी इतना पैसा नहीं है कि आम आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय आसानी से दिला सके। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।